नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश पीईबी के द्वारा यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल के द्वारा जो है एक विज्ञापन जारी किया गया है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ग्रुप वन ग्रुप सेकंड दोनों विभाग में जो है पोस्ट आई हुई हैं, कितने टोटल पोस्ट हैं और कब एग्ज़ाम होगा और ऑनलाइन डेट, इन सभी के बारे में हम लोग सिलेबस क्या रहेगा पूरा इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वहाँ से आपको सभी जानकारियाँ जो है प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें वीडियो दें। तो चलिए यहाँ पे पहला जो है पीईबी के द्वारा जो है ये विज्ञापन जारी किए गए हैं। समूह फर्स्ट और समूह सेकंड, उप समूह फर्स्ट के लिए जो है विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके अंतर्गत समूह एक के विज्ञापन देखें तो इसके अंतर्गत जिला वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी जो होते हैं प्रबंधक यानी गुणवत्ता नियंत्रण कार्यपालिक पदों की भर्ती हेतु जो है संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 का विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसके अलावा समूह सेकंड के लिए जो है के अंतर्गत जो वैकेंसी है वो है ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी एवं सहायक गुणवत्ता नियंत्रण के पदों के लिए विज्ञापन जो है जारी किए गए। टोटल जो पदों की संख्या है वो तो अभी देखेंगे। ऑनलाइन आवेदन की तिथि क्या है और फीस कितना लगेगा, तो ऑनलाइन आवेदन जो है वो 16 मार्च से यानी कल से स्टार्ट हो जाएगा और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 30 मार्च है और संशोधन करने का जो है 4 मार्च तक है और परीक्षा तिथि जो है वो पहले से ही डिक्लेयर हो चुका है, यानी काफ़ी कम समय में आपको तैयारी करने का मिल रहा है। मैक्सिमम जो है 35 दिन से भी कम जो है आपको समय मिलेंगे। 26-27 मार्च अप्रैल 2022 को जो है इसका परीक्षा कराया जाएगा। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए फीस जो है वो 500 रुपये रखा गया है, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये है, 60 रुपये MNP पोर्टल शुल्क रुपया जो है वो भी आपका लगेगा, यानी ये जनरल का जो है 560 रुपये लगेगा और 270 रुपये जो है OBC हुआ अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग इन सभी का लगेगा फीस। इसके अलावा परीक्षा तिथि का शेड्यूल भी जारी किया गया है। पोस्ट जो है उसको हम पहले देख लेते हैं कितनी टोटल। तो यहाँ पे मैनेजर क्वालिटी कंट्रोलर के लिए जो पोस्टें हैं वो टोटल 11 हैं। टोटल 208 पदों के लिए जो है विज्ञापन मांगा गया है और योग्यता क्या क्या रहेगा अलग अलग विभागों की। तो मैनेजर क्वालिटी कंट्रोलर के लिए 11 पोस्ट हैं। इसके लिए जो है MBA मार्केटिंग होना चाहिए या MSc एग्रीकल्चर विथ मिनिमम जो है 60% मार्क यानी 60% मार्क जो है MSc होना चाहिए। इसके साथ ही साथ 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स जो है वो कंप्यूटर में होना चाहिए, तो वो सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं मैनेजर क्वालिटी के लिए। इसके अलावा है मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल 20% रिजर्व फॉर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के लिए जो है 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का पोस्ट जो है वो 6 है, जिसके लिए मास्टर डिग्री इन हॉर्टिकल्चर मांगा है, यानी MSc जिन्होंने हॉर्टिकल्चर कर रखा है वो सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर पोस्ट कोड जो है 4 है और इसके लिए जो है 143 पद जो है मांगे गए हैं, जिसके लिए है BE BTech इंजीनियरिंग जो होता है, डिग्री इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर भी कोई कर रखा है तो वो जो है रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर पोस्ट कोड 5 जो है उसके लिए 36 पद हैं, इसके लिए भी योग्यता सेम ही है, आप BTech इंजीनियरिंग हो एग्रीकल्चर से या हॉर्टिकल्चर हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर के लिए जो है 9 पोस्ट है, जिसके लिए बैचलर डिग्री BSc एग्रीकल्चर जो है वो 60% मार्क के साथ होना चाहिए, इसके अलावा 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स जो है वो होना चाहिए। ये जो है टोटल पदों की संख्या हो गई 208 पद के लिए विज्ञापन मांगा गया है। जो पद हैं सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए 6 पद हैं, रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर कोड 4 के लिए जो है 143 पद और 136 पद जो है और हैं, तो ये टोटल जो है 208 पदों के लिए आवेदन जो है मांगा गया है। अब ये कैटेगरी वाइज हो गया, कैटेगरी वाइज आपको PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो वहाँ से जाके पूरा देख सकते हैं। लिंक जो है ये 16/3/2021 को जो है एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप जाके वेबसाइट पे या सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे जाके वहाँ से ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
अब सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या है उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पाठ्यक्रम जो होगा वो एक पेपर होगा, 200 अंक का होगा, और जिसमें जो है 100 अंक का जीके जीएस इन सभी से संबंधित रहेगा, और 100 नंबर का जो कि अंक का क्वेश्चन पेपर आएगा वो आपके विषय से संबंधित होगा, यानी एग्रीकल्चर विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे समान ज्ञान हो गया, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित, समान तार्किक योग्यता, समान विज्ञान, समान कंप्यूटर ज्ञान संबंधित विषय पर आधारित होंगे 100 नंबर का, और 100 आपके विषय से संबंधित विषय से होंगे, यानी 200 अंकों का टोटल जो है आपका पेपर होगा। ये हो गया पोस्ट वाइज जो है योग्यता क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। योग्यता तो हमने पहले ही बता दी, पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम तो आपका ये सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आप तैयार कर लें, और सब्जेक्ट से आपके रहेगा एग्रीकल्चर का 100 क्वेश्चन, और जीके जीएस इन सभी से इंग्लिश और रीजनिंग मैथ हुआ, ये सभी जो हैं 100 नंबर के पूछे जाएंगे। तो टोटल 200 अंकों का होगा, और इसी के आधार पे जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। 200 अंकों में जो है ये है कि 50% जो है आपका जनरल का जो है 50% मार्क जो पाएंगे उन्हीं के जो है क्वालिफाई कराया जाएगा, यानी 100 नंबर के नीचे जो भी जनरल कैटेगरी के रहेंगे तो वो क्वालिफाई नहीं होंगे, परीक्षा ही क्वालिफाई नहीं होंगे, यानी पास नहीं होंगे, और कट ऑफ जो है उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। तो टोटल जो है 50% मिनिमम नंबर भी आपको लाना अनिवार्य है इसमें, नहीं तो आप फेल माने जाएंगे। तो ये हो गया योग्यता और पाठ्यक्रम। तो इसमें 10% जो होगा रिजर्वेशन होगा EWS का, बाकी जो भी आरक्षण होता है वो सभी भर्तियों के लिए सेम रहेगा, 10% EWS के लिए भी आरक्षित सीटें इसमें रिजर्व की गई हैं। तो टोटल 208 पदों के लिए जो है विज्ञापन जारी किए गए हैं। तो आप सभी लोग जो है फॉर्म अप्लाई कर दें, जिनके पास जो जो भी योग्यता मांगी गई उसी हिसाब से पोस्ट पे, और तैयारी जो है अभी सभी लोग स्टार्ट कर दें जीके जीएस 100 नंबर का, और एग्रीकल्चर पूछा जाएगा। तो जल्द ही हम लोग चैनल के माध्यम से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।